जोगिंद्र नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर स्थिति में जरूरतमंद मरीजों को कोविड अस्पताल लाने व ले जाने में अब एम्बुलेंस की सुविधा से महरूम नहीं होना पड़ेगा। कोविड 19 संक्रमण की दृष्टि से सिविल अस्पताल जोगिंद्र नगर में तैनात एक एम्बुलेंस को तैयार कर लिया गया है तथा अब जरूरत पड़ने पर कोविड के गंभीर मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस बात की पुष्टि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल जोगिंद्र नगर डॉक्टर रोशन लाल कौंडल ने की है। एसटीएम साहब ने फ्लू कॉर्नर के लिए जो है वो एल्युमिनियम का कॉर्नर बना दिया हमारे लिए और उसमें पेशेंट को हैंडल करना, जितने भी जुकाम बुखार के पेशेंट आ रहे हैं उसमें हमने एक डॉक्टर से एक हमारा कोई पैरामेडिकल स्टाफ बैठ जाएगा, उससे हमें काफ़ी कन्वीनियंस हो गई। दूसरे फ्लू कॉर्नर के लिए आइसोलेशन के लिए जो सैंपल लेने के लिए भी वो एल्युमिनियम का कैबिन बन रहा है वो भी एसटीएम साहब के द्वारा बनाया, साथ में हमारी जो एम्बुलेंस है उसमें भी पार्टीशन दिला दिया जिससे कि हमने कोविड का पेशेंट ट्रांसफ़र करना है तो हमारे लिए कन्वीनियंस हो गई और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और हम इस बात के लिए एसटीएम साहब का बहुत धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंद्र नगर से अमित सूद।